सभी मित्रों को राधे राधे। जैसा आप हमारे बीच में इस वक्त देख पा रहे हैं, आपको एक स्त्री स्वरूप में एक लड़की यहाँ पर बैठी हुई दिख रही है, लेकिन आपको बताना चाहूँ कि यह एक लड़की नहीं बल्कि एक पुरुष के शरीर में एक मातृत्व लिए हुए एक महिला का मातृत्व होता है जो एक पुरुष शरीर में विद्यमान है। जो किरण है, नाम इनका किरण है, बचपन से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करती थी और भगवान श्री कृष्ण ने जब इन्हें शक्ति दी, भगवान श्री कृष्ण ने जब इन्हें इस बात का आभास करवाया कि ये अपने आप को अलग ना समझे, ये अपने आप से घृणा ना करे, तो फिर राह पकड़ी वृंदावन की। तो इन्हीं से जानेंगे कि आखिर इनके जीवन में किस प्रकार जो है ये सारे के सारे बदलाव हुए, किस प्रकार इन्होंने अपने जीवन में भगवान श्री कृष्ण के साक्षात्कार किए। तो राधे राधे आप। राधे राधे जी। तो किरण, हमको बताइए कि कब से आपके जीवन में ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये घटित हुई और कैसे जीवन में बदलाव हुआ? मैं तो पहले बहुत पहले छोटी थी जी, तो मुझे ऐसा पता नहीं था, पर मैं छोटी में अपना पूजा पाठ वगैरह करती थी। मुझे बाहर उतना पसंद नहीं था, घर में अपना काम करना और जो लड़कियां करती हैं सिलाई विलाई वो सब थोड़ा थोड़ा करती थी और अपना पूजा पाठ करती थी, माँ की सेवा हुआ करती थी। अच्छा। और पूजा पाठ करती थी और मुझे अचानक से मैं खूब रोती थी भगवान से मिलने का कि भगवान कैसे हैं, क्या है, मैंने कैसे बने भगवान से प्रेम हो, कैसे मैं इस शरीर में हूँ तो भगवान से कैसे, किस सारे दुनिया से मैं कैसे समझाऊँ कि मैं भले तो मैं लड़का हूँ पर लड़का नहीं हूँ, पर कैसे मैं इन सब दुनिया को समझाऊँ। तो मैं कृष्ण भगवान को अपना पूरा स्वरूप, ये जो स्तन है सब इनको अर्पण कर दी और मैं कृष्ण भगवान से बोलने लगी कि भगवान मुझे भी कोई सहारा दीजिए, नहीं तो मैं जीने वाली नहीं हूँ। तो मेरे जीवन में ऐसे ऐसे घटित हुआ, बहुत लोग ताने दिए, पापा भी बहुत बोले, और पर मेरी माँ बोलती थी कि मैं कैसा भी है बेटा मेरा बच्चा है, जैसे रहना चाहता है कोई दिक्कत नहीं। सब गांव नगर सब लोग हंसने लगे कि लड़की है क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा, ऐसे जीता है कैसे जीता है। तो मैं पहली बार जब वृंदावन में आई तो मैंने बहुत रोई, इतना रोई कि सब लोग कह रहे थे कि पागल हो गए हैं, इतना मैंने भगवान से प्रेम हो गया। तो मैं ठान ली कि क्या भगवान सच में होते हैं, अगर सच में भगवान होते हैं तो मुझे अपना कुछ चमत्कार करें। तो मैं ऐसे भगवान से विनती करते थे, भगवान मेरे सपने में आए और मैं हमेशा बोलते थे कि भगवान कुछ सहारा कर दीजिए। तो मैं सपने में जब आए भगवान, मैंने प्रार्थना की कि हे भगवान मेरे भी कुछ जीवन में चमत्कार कीजिए। तो भगवान मेरे सपने में आए और बताए कि नहीं, तुम सबसे अलग हो, तुम मेरे सब कोई मेरे पास नहीं आ सकता, मैं तुमको चुना हूँ, तुम भक्ति भजन मेरा बनाए रखो, मैं तुझे ज़रूर न ज़रूर कुछ अच्छा ही करूँगा। तो देखिए आज मैं वृंदावन में कितना सुंदर लग रहा है मुझे, मैं एक तरह से खुश भी हूँ एक तरह से दुखी भी हूँ। इसलिए खुश इसलिए हूँ कि मैं वृंदावन में हूँ, पर दुखी इसलिए हूँ कि समाज मेरी क्या करती है, पर इसी वजह से थोड़ा सा दुखी हूँ, नहीं तो बहुत खुश हूँ। और ये भी एक भैया मेरे बहुत अच्छे हैं और मुझे समझे और जो मेरा फीलिंग है वो भी समझे और मैंने बहुत अच्छा लगा मुझे। तो यही अब जी। तो जैसा आपने इनको सुना, तो मैंने इनसे ये पूछा कि समाज में किस तरह से आपका जो स्तर आज की तारीख में समझते हैं लोग। देखिए, इन्होंने बचपन से ही पढ़ाई जो करी है सब कुछ वो लड़कियों के साथ में रहकर, क्योंकि लड़कों के साथ में आज इन्होंने महसूस किया हमेशा, और भगवान श्री कृष्ण को जब इन्होंने अपना साक्षात्कार भगवान श्री कृष्ण का इन्होंने किया तो इनकी आधी से ज़्यादा परेशानी तो उसी वक्त जो है ख़त्म हो गई थी। तो आप बताइए कि वो क्या वाक्या था कि जब आपको भगवान श्री कृष्ण के साक्षात्कार हुए, किस तरह से हुए, भगवान ने सपने में आके क्या कहा, दुनिया ठाकुर जी के लिए तरसती है कि ठाकुर जी को देख ले पल भर की, किस तरह से दिखते हैं वो, तो कैसा है उनका स्वरूप, कैसे दिखते हैं ठाकुर जी, क्या क्या बातें हुई, क्या क्या बातें कही श्री कृष्ण ने आपसे? मैंने देखा सुंदर सांवले से थे, बंसी उनसे सब लिए हुए थे, अच्छा से सज धज के आए हुए थे, ऐसे लग रहा था कि मैंने बैठे हैं मेरे पास ही बैठे हैं,
और मुझे सब बता रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ में बैठे हुए हैं और मुझे सब बता रहे हैं कि जो जो जिसका मैं हाथ पकड़ता हूँ सारे दुनिया छोड़ देते हैं, पर मैं जिसका हाथ पकड़ता हूँ पर उसका मैं हाथ नहीं छोड़ता हूँ। तो भगवान ने मुझे इतना मैंने सब कुछ, मैंने ऐसा नहीं है कि सब मेरे सब कुछ सही था, मेरा पढ़ाई वगैरह सब लेकर, पर मैं जब मुझे ये सब ठाकुर जी से थोड़ा सा शरण भक्ति मिली तो मैं थोड़ा भक्ति वगैरह करती थी, भटकती थी, करती थी, भटकती थी जी। कि मैंने कैसे मैंने सच में है कि नहीं, मैं ऐसे करती थी फिर भटकती थी, पर कोई कोई मैं शक्ति मिलती थी जब मैं अनुराधाचार्य जी का, प्रेमानंद जी का जब भजन जन सुनती थी, देखती थी, तो मैं बोलती कि नहीं सच में भगवान है, तो मेरा भी भक्ति अब जगने लगा। और उसके बाद मैं पहले डांस करती थी। अच्छा। हाँ, डांस करती थी, मुझे डांस बहुत शौक था। मैं कहीं भी गाना वाना बजता है तो मेरा शरीर झूमने लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं डांस करूँ। मैंने एक फिल्मी दुनिया में जाना। अच्छा। एक एक्टिंग करना, डांस करना, ये तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो मैं डांस वंस करते थे, गांव पे करते थे, छोटा मोटा पार्टी वोटी होती थी जी। तो सब लोग बोलते थे कि तू लड़का है, लड़की की जैसा क्यों डांस करता अच्छा। है। अच्छा। हाँ, लड़के, एक जाहिर सी बात है दोस्तों, जब कोई लड़के के शरीर में कोई महिला की तरह नृत्य करता है तो उसको छेड़ा जाता है, उसको बोला जाता है कि देखो ये एक किन्नर की तरह जो है नृत्य कर रहा है। लेकिन इनके मन को पता है कि इनके मन में गुजर क्या रहा है, इनके मन में बीत क्या रहा है। और भगवान श्री कृष्ण से अगर सबसे पहले कोई मुलाकात कर सकता है, कोई भेंट कर सकता है, तो वह सखी स्वरूप वृंदावन में। इस सखी स्वरूप में जितनी भी बड़ी बड़ी सखियां जो भगवान श्री कृष्ण के लिए नृत्य करती हैं वो सभी किन्नर समाज से संबंधित है। तो जिस प्रकार आपको बताया किरण जी ने, और आपके पिताजी ने आपका साथ छोड़ दिया था। हाँ, पिताजी बोलते थे कि ये सब डांस वगैरह करोगे तो काट के फेंक देंगे। मैंने गांव में जो रिश्ता वाले होते थे, ये सब क्या कर रहे हो, कुछ अच्छा करो, कमाओ खाओ जियो, क्या कर रहे हो। पर मेरा फीलिंग कोई नहीं समझता था कि मैं कैसे जीना चाहता हूँ। तो मेरा मुझे भी थोड़ा थोड़ा कभी आता था, कभी रोना भी आता था कि भगवान कैसे क्या मुझे कर दिए, मैं क्या हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि मैं ज़्यादा थोड़ा सा भक्ति ही करूँगी तो थोड़ा अच्छा रहेगा, इससे मुझे थोड़ा अच्छा फील होता था भक्ति करने से। और उसके बाद मैं, हाँ, उसके बाद जब भगवान ने पकड़ा तो मेरे गांव वाले ने अच्छा थोड़ा सपोर्ट करने लगे कि नहीं, ये एक जो एक ये सखी है, ये गलत नहीं, अच्छा है, भक्ति करते हैं। तो थोड़ा गांव वाले मुझे सपोर्ट देने लगे, तो थोड़ा सा मुझे शक्ति मिलने लगे कि चलो, और कुछ नहीं तो गांव वाले सपोर्ट करने लगे। कोई कोई सपोर्ट करता था, कोई कोई तोड़ता था। तो थोड़ा जो सपोर्ट करता था तो अच्छा लगता था, और जो नहीं करता था थोड़ा सा बुरा हो जाता था, थोड़ा मन दुखी हो जाता था। फिर भी सोचते कि कोई बात नहीं, होता है, ऐसे बहुत सारा दिक्कतें परेशानी आती रही जाती रही। फिर इससे मैं बहुत अपना हौसला, मैं हर ऐसी एक जब मेरा डांस उन्स वगैरह देखा तो एक भैया था, वो मेरे मार्केट के थे, तो मुझे मुंबई ले गए। उसके बाद मैं भी शूटिंग वोटी किया, और शूटिंग वोटिंग करने के बाद वो सब लोग पैसा मांगने वांगने करने लगे और मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मुंबई से मैं रिटर्न आए। रिटर्न आने के बाद फिर हमने उसके बाद घर पे कुछ अपना गौ माँ की सेवा वा करने लगे। और उसके बाद फिर बोलिए थोड़ा, फिर मैं और गौ माता की सेवा में करने लगे। उसके बाद मैं दिल्ली गया, दिल्ली में भोजपुरी वाले थे तो उनके पास भी गया, तो वो सब लोग भी कहे कि कैसे रूप है तुम्हारा, क्या करोगे, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम जाओ कहीं आश्रम में रहो, चैत्य में रहो, तुम डांस वगैरह नहीं कर सकते, तुम सब अच्छा नहीं लगता, बड़े बड़े लोग आएंगे तो क्या कहेंगे कि क्या है कैसा है। तो मुझे वहाँ पर भी थोड़ा रोना आया, फिर वहाँ से फिर मैं रिटर्न आए। फिर रिटर्न आने के बाद मुझे एक छोटा मोटा काम घर करने लगे, फिर मुझे ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति पसंद आने लगी। हमें ऐसे लगा रहा कि मैं सारा दुनिया को तेज दूँ, एक भगवान के शरण में आऊँ, तो यही मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा।
पर फिर भी अंदर अंदर एक और घुटन महसूस होता था कि मैं कहा था कि मैं अपना सपना जरूर पूरा करूंगा, पर वो सपना पता नहीं कब पूरा होगा। क्या सपना क्या है आपका? मेरा सपना है कि मैं बहुत अच्छा एक डांसर बनूं। मेरा एक यही सपना है कि मैं बहुत बड़ा सब एक और नहीं तो छोटा सा भी मैं एक सुंदर सा डांसर बनूं। यही मेरा सपना है। यही आपका सपना है? और भक्ति के मार्ग पर आप जो चले हैं, भक्ति के मार्ग पर क्या सपना है, किस चीज़ को प्राप्त करना है? मुझे कृष्ण जी का प्राप्त करना है। तो आपने जैसा कहा कि आपको दर्शन तो कृष्ण भगवान के हो गए, तो ये तो प्राप्त हो गए आप, आपको तो प्राप्त हो ही गए हैं तो, देखा जाए तो प्राप्त है। पर भगवान जी कहते हैं ना कि मन बड़ा चंचल है, मन बड़ा पापी है, तो ये पापी कभी भटकता है फिरता है, इसीलिए भगवान तो मैंने साथ दिए हैं, पर भगवान कहते कि मेरा जाप राट चालू रहना चाहिए, नहीं तो भगवान भी छोड़ देते हैं जी, साथ छोड़ देते हैं, क्योंकि जैसे माता पिता के भी हैं तो माता पिता का भी कुछ नाव वगैरह करते हैं तो मैंने माता पिता मानते हैं कुछ करते हैं, वैसे ही भगवान भी हैं, उनका सेवा करें, उनका मान नाम नाम ना ले तो भगवान भी साथ छोड़ देते हैं, बोलते हैं कि बच्चा मेरा नहीं है जी, भटक गया। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि मैंने जब मेरा नाम जाप करते रहना, भक्ति करते रहना, भक्ति करते रहना। तो जब आप वृंदावन में आए तो कभी ऐसा हुआ कि अचानक से कोई ठाकुर जी ने किस प्रकार लीला रची होगी, अचानक से आपको दर्शन भी हुए लेकिन बाद में महसूस हुआ हो कि ये तो ठाकुर जी थे? कभी कुछ ऐसा अनुभव हुआ हो कि सामने से कुछ चीज़ निकल के गई, बाद में बात भी करी लेकिन आपको बाद में पता लगा, महसूस हुआ? हाँ, मैं जब ट्रेन से उतरे तो बोले कि ठाकुर जी, पहले पहले तो हम आए थे मथुरा, तो हम मथुरा आए थे तो बोले कि ठाकुर जी अब कैसे जाए मुझे तो पता नहीं, पर एक माने कृष्ण भगवान माने चाहे कुछ भी माने, वो आए मुझे अपना टेम्पो में बैठाए, पैसे भी नहीं लिए, और बैठा कर मुझे यहाँ तक ले रास्ता दिखाए बताए, उसके बाद फिर अपना मेरा सब बैग उग सब रखे, उसके बाद फिर वहाँ से चले गए। फिर जाने को बोले कि कोई भी दिक्कत होगा तो हमसे बताना, हम याद करना, तो ऐसे उन्हें बताए, तो मुझे थोड़ा सा ये अच्छा महसूस हुआ कि हम पहली बार आए तो पहले लोग थोड़ा सा अच्छा अच्छा तो